नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के चंपावत जिले के सीमांत में आपको बता दें कि बंसावा एनएचपीसी गेस्ट हाउस सभागार में आज भारत नेपाल अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव, सीमा विवाद और तस्करी, साथ ही सूखा और सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। और जिसमें आपको बता दें कि दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा आपसी सामंजस्य से यहां पर समस्याओं को सुलझाने पर सहमत बनी है। चंपावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इंडो नेपाल बैठक में ब्रह्मदेव में यहां पर नो मैंस लैंड और यहाँ पर हुए अतिक्रमण पर भारत का पक्ष रखा है। और दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा है कि नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे और साथ ही दोनों देशों द्वारा सर्व किए जाने के लिए यहाँ पर बाद ही आगे रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक हुई है और साथ ही कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। सूखा, तस्करी, साथ ही सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर अधिकारियों ने चर्चा की है। सीमा क्षेत्र में गैर कानूनी क्रियाकलाप होते हैं, अपराध होते हैं, ट्रैफिकिंग की समस्या है, इस सब के लिए भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और यहाँ नेपाल और भारत की नागरिकों के बीच बहुत गहरा संबंध है, इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए ये स्थानीय प्रशासन दोनों देश के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बहुत जरूरी रहता है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार अपने सरकारी मुकदमों को लेकर आपको बताते चले कि यहाँ पर पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, तो वहीं रुद्रपुर में आबकारी विभाग की आंखों के सामने यहां पर धूल झोंकी जा रही है, जहां पर शराब व्यापारी रोडवेज के ठीक सामने खुले आम ओवर रेट पर यहां पर शराब बेचते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के आदेशों की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आपको बता दें कि ओवर रेट पर यहां पर शराब बेची जा रही है और साथ ही जो दुकान का समय है खुलने का, उससे ओवर समय में दुकान ये खोली जाती है और साथ ही लोगों को ओवर रेट में यहां पर शराब बेची जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। रात को अगर शराब की मतलब इस हिसाब से कि 11 बजे का टाइमिंग है, हाँ, उसके बाद अगर कोई शराब बेचता है ओवर रेट में या चोरी चिकारी से, उसके अलावा नहीं, अगर वो टाइम के बाहर अगर बेचता है उसमें ठीक है, जांच की जाएगी, अगर होता है उसके बाद जो विधि कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, आपने इसमें क्या कार्रवाई करी? नहीं, उसमें जो आपने वीडियो क्लिप थी उसमें देखा हमने, जो बंदा था उसे वहां हटा दिया गया। नहीं सर, अगर खाली हटाना ही उसने नियम कानून में है या कोई और भी उसमें और जो कार्रवाई होगी वो कानूनी से की जाएगी? फिलहाल अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कई विभाग के कुछ लोग इसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं मिला हुआ हिसाब किताब है, नहीं, ये तो आपका ये कहना आप गलत है, विभाग का कोई मिला हुआ, विभाग का कोई नहीं मिलता है इसमें। तो इसमें कब तक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा? अब जैसे जांच पूरी होती है उसमें देखा जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। अब आपको अवगत कर, संदीप सिंह बाजवा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर, जिला यहाँ पर ओवर रेट पे शराब बेची जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला अभी तक, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सत्यम, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेसिकली ये पूरा मामला ओवर रेट का तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये होता है कि जैसे रात को 11 बजे तक का टाइम है, जो कि मतलब मेन दुकान है ये रुद्रपुर की, उसका 11 बजे तक का टाइम है शराब का मतलब सेल करने का, लेकिन उसके बावजूद ये है कि 11 बजे के बाद क्या होता है कि मेन शटर गिर जाते हैं, एक छोटा शटर थोड़ा आउट में डाउन में खुला रहता है, उसके नीचे से ओवर रेट में मतलब शराब बेची जाती है।
तो उस एवज में हमने इनसे प्रशासन से भी बात करी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी लगती नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? प्रशासन की तरफ से पहले तो हमने जब बात करी तो सिर्फ लीपा पोती वाला हिसाब है, कहीं ना कहीं ये मतलब विभाग का मिला हुआ हिसाब किताब है ताकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तो इतना स्ट्रॉन्ग हमने वीडियो क्लिप बना के दी है जिसमें वो साफ बोल रहे हैं कि हम मतलब रात को ओवर रेट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। संदीप, बताया जा रहा है कि जब इसको लेकर ग्राहक अगर विरोध करते हैं कि ओवर रेट में क्यों शराब आप दे रहे हैं, तो ग्राहकों के साथ यहाँ पर अभद्रता भी की जा रही है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ तो मार कुटाई, इन्होंने कुछ बंदे ही ऐसे रखे हैं ना कि मतलब कुछ ऐसा हो तो उनको, अभी आप मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें जो बंदे ने बिल्कुल पूरी पी रखी है, अब नॉर्मल सी बात है कि ये कैसे कस्टमर डील करता होगा इस हिसाब से। ठीक है संदीप, हमारे साथ कैलाश चंद विजोला जो कि जिलाधिकारी हैं जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी नमस्कार सर, लगातार यहाँ पर सामने आ रही है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई इसमें, है इसमें मेरी बात थी, इसमें मैंने अवश्य कार्रवाई कहने वाली बात, इसमें कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन सर कब कार्रवाई होगी? ग्राहकों के साथ यहाँ पर बदसलूकी भी की जा रही है। नहीं देव, जो क्लिप ने दिखाया वो रात 11 बजे बाद 11 बजे के आसपास एक क्लिप है, उसमें ऐसा बच्चों की बात कोई नहीं है, लेकिन जो ये इतना कहना है उसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी। सर समय जो कि 11 बजे है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर चोरी से इस बात को बताया जानते हैं बारे में, जांच कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर क्या कार्रवाई हो पाई है? अभी तो जांच भी भेजी जाएगा, जांच भी कार्रवाई हो जाएगी, अभी तक मुझे हो जाएगा, बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि ओवर रेट पर यहाँ पर शराब बेची जा रही है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है।